नमस्कार मित्रों, मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग आजकल ये सुन रहे होंगे कि यूपीएसआई 2017 की परीक्षा शायद 8 अगस्त को कराई जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये न्यूज़ जो यूट्यूब के द्वारा कुछ लोग उड़ा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSC CGL के एग्ज़ाम 5 अगस्त 2017 से प्रारंभ हो चुके हैं और यह परीक्षा एक महीने के आसपास लगभग 20 दिन चलेगी। तो ये परीक्षा 5 अगस्त 2017 से 24 अगस्त 2017 के मध्य चलेगी। तो इस बीच में UPSI का एग्ज़ाम कराना लगभग असंभव है। उसके बाद यानी लगभग सितंबर महीने में IBPS के थ्रू एक एग्ज़ाम कराया जाएगा RRB का, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक। ये एग्ज़ाम भी एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और ये एग्ज़ाम भी लगभग 10-15 दिन चलने वाले हैं। तो यानी 2 महीना जो आपके पास है, 2 महीना बिल्कुल एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। अगस्त और सितंबर में ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। अगर बात करते हैं अक्टूबर महीने के पहले वीक में भी इस एग्ज़ाम के होने की कोई संभावना नहीं है। काफ़ी लोगों के अनुसार 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, लेकिन अभी इस कथन की पुष्टि किसी सरकारी दस्तावेज द्वारा नहीं की गई है। तो दोस्तों, आपके पास 2 महीने अच्छे से हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। 2 महीने में आप और अधिक तैयार कर सकते हैं और 2 महीने के बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके पास अच्छा समय है, अच्छी तैयारी करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे UPSI से जुड़ी सभी न्यूज़ आप तक समय से पहुंच जाए। धन्यवाद।